ये कहाँ से पदक जीत कर कितने खुश हैं आप? आपका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था सीनियर लेवल पर, कितने खुश हैं आप? हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा पहला मेजर कॉम्पिटिशन था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। 109 किलोग्राम वर्ग जो है वो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है, बहुत ही टफ के यहाँ पर वेट लिफ्टर्स हैं, उसमें आपने 355 का जो टोटल लिफ्ट किया, आपने परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। हाँ सर, ये मैंने स्टेज पे अपना लाइव बेस्ट किया है सर। तो जैसा आप अपने परफॉर्मेंस पे आप जैसा बता रहे हैं कि आपने क्लीन एंड जर्क का परफॉर्मेंस जो था और स्नैच का था, उस दोनों में आप अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं या आपको लगता है आप इससे और बेटर कर सकते थे या आप ओवरऑल? हाँ सर सही है, ये 6 का 6 लिफ्ट पास किया, ये अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, तो यहाँ पर जो आपका जो ये परफॉर्मेंस है इससे आपको कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्योंकि आगे आपके सामने और बड़े बड़ी चुनौतियाँ होंगी, एशियन गेम्स होंगे, ओलंपिक के लिए तैयारी होगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ होंगी, आपको इस मेडल से कितना आपका मनोबल बढ़ा है? हर बढ़िया लग रहा है सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कॉम्पिटिशन खेलने से, ये पहला मेजर कॉम्पिटिशन था तो सर आगे भी अच्छा करेंगे। तो जब आप पहली बार मेजर कॉम्पिटिशन में आए और आप पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, भले आज नहीं मिला तिरंगा ऊपर जा रहा था, वो लम्हा आपके लिए खिलाड़ी के तौर पे, भारत के लिए, भारतीय के तौर, भारतीय होने के तौर पे, भारतीय खिलाड़ी होने के तौर पे कितना इमोशनल मोमेंट था? हाँ सर अच्छा लग रहा था काफ़ी। उस मोमेंट को बताइए कि जब आप चढ़े तो क्या फील हो रहा था? खुशी हो रही थी सर। हाँ जी, तो आपका अगला लक्ष्य, आपके समय आपसे पूछा आपका अगला लक्ष्य क्या, क्या सोच के चल रहे हैं सर? आगे जाके इंडिया के प्लान करेंगे अभी। हाँ जी, इस मेडल से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? सर सभी प्लेयर अच्छा करें। हाँ जी, डेडिकेट किसे करेंगे? देशवासियों को, घर वालों को, सभी को, सबको। हाँ जी।